लोंगिया मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने गली नंबर 9 में रहने वाली मूली उर्फ माजिदा के खिलाफ नशे और जिस्म फरोशी का व्यापार करने की शिकायत करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने जिस्म फरोशी का संदेह होने पर माजिदा के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और बस्ती वाले इकट्ठा हो गए। पुलिस को सूचना भी दे दी गई, लेकिन पुलिस पहुंची तो माजिदा किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गई। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बस्ती का माहौल माजिदा ने खराब कर रखा है। खुले आम स्मैक सहित अन्य नशीले पदार्थों का व्यापार करती है, साथ ही कमरे पर बाहर से लड़कियां लाकर देह व्यापार कराया जाता है, जिससे यहां रहने वाले महिला और बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। माजिदा की शिकायत करने पर उल्टा बस्ती के लोगों को ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। क्षेत्रवासियों ने मोहल्ले के आपराधिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मोहल्ले के अंदर एक भोली लड़की है, औरत वो यहाँ पे स्नेचर्स का धंधा करती है और नशा का धंधा करती है। मोहल्ले वाले काफी परेशान हो चुके हैं, इसी नशे के चक्कर में दो व्यक्ति मर चुके हैं। काफी मोहल्ला ने समझाया भी, समझाइश करी, लेकिन वो दादागिरी करती सबसे। आज एक लड़के ने बोला, वसीम नाम का लड़का है, तो उसके घर पे जाकर उसकी माँ को उनको सबको धमकी दी, बोला तेरे को उल्टे केस के अंदर फंसा दूंगी मैं। तो वो हमारे पास आया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, मोहल्ला इकट्ठा होकर उसके घर गए समझाने, तो वो भग गए, वो दादागिरी करके ताला लगाया, भग गया। लोंगिया मोहल्ला है, इसमें सभी समाज के लोग रहते हैं। अब इनको क्या करती है, बच्चों को बिगाड़ती है, ये चरस और गांजे का अफीम का इसका पता नहीं क्या क्या धंधा करती है, पाउडर का। इससे परेशान है सब मोहल्ले के, सब बच्चे बच्चे परेशान है, सारी फैमिली परेशान है इससे। और अभी हम सब गए थे उसके घर पे, तो वो ताला लगा के भग गई। पकड़ के ले जाते हैं, सुनवाई नहीं करती, पकड़ के ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसको। अभी छोड़ा है उसको, 4-5 दिन हुए। बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पे और नई सड़क से आते हैं, यहाँ से आते हैं, और हम लोग अगर बोलते तो हमारे आदमियों को कहती है छेड़छाड़ के मैं अंदर करवा दूंगी उनको। हम औरतें भी डर के मारे नहीं बोल पाते हैं ज्यादा, और आज पूरे मोहल्ले ने आवाज उठाई है। इसके लिए पुलिस वालों को कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम सब मिलकर करेंगे जो करना होगा। फिर उसका नशा भी चलाती है, जिसमें इसमें कई गांजे कभी इसमें करत करती है, कई लोगों को इसने बिगाड़ दिया। इस वार्ड के ही नहीं, बाहर के जो वार्ड के हैं युवा लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं, वो नशा मुक्ति के अंदर उनकी भी मतलब कई लोग तो मर चुके हैं और कई लोग मतलब मरने के कगार पर हैं। यहाँ पर जब से नई सड़क बनी है ना, तब से ये गोरख धंधा कुछ तेजी से चलने लगा है। हमने कई बार शिकायत की है कानून से भी, लेकिन कानून भी उनको रंगे हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन नई सड़क की वजह से वो ऊपर से ही फरार हो जाती है। उसी गली में रहता हूँ जिस गली में महिला भूली निवास करती है, और ये पिछले 5 साल से इस प्रकार के व्यवसाय कर रही है, जो मतलब चरस गांजा स्मैक तमाम प्रकार के ये नशे बेचती है। 2 दिन पहले जब पुलिस इसको अरेस्ट करके लेके गई यहाँ से, तो खाली ये है कि इसके घर की गली में एक दिन पहले मैं विचरण कर रहा था रात को, तो इसने मेरे ऊपर शक करके मुझे मेरे घर पे सुबह सुबह लड़ने आई, मेरे घर में मेरे माँ बाप को धमकी दी और बोला बोले कि है ना तूने मेरी रिपोर्ट दी है और अब मैं तेरे को है ना बलात्कार के इसके उसके केस में फंसाऊंगी। तो इस वजह से और मोहल्ले वालों ने सबने इकट्ठा होकर मेरा साथ दिया।